रिस्की ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम ऐसे मंदिर में आए हैं जो 1700 साल पुराना है और मुगल काल से भी बहुत पुराना मंदिर है। और आपको यहाँ आने के बाद में सारी मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियों को देखने के बाद में आपको इतना बुरा फील होगा ना कि यार हमारे देवी देवताओं के साथ इतना गंदा बिहेवियर क्या होगा, तो हमारे हिंदू धर्म के लोगों के साथ कितना गलत क्या होगा। तो इस मूर्ति के साथ क्या छेड़छाड़ हुई थी? सब खंडित भी इसको खंडित करने पर से ये नाक दूर से लगा क्योंकि यह जगह अच्छा जो वो त्री मूर्ति का मुझे नाक दिख रहा है वो उसको खंडित किया था मुगलों के द्वारा। जी सर, जो सही तरह इस मंदिर में कई प्लास्टिक नहीं है। इस मूर्ति का थोड़ा और बारे में, एक पत्थर की मूर्ति बहुत ठंडा में है, हल्की नहीं है। और आप बोल रहे हो कि ऐसे मंदिर में ये सबसे बड़ी मूर्ति, मतलब वजन में पूरे भारत में एशिया महाद्वीप में सबसे मतलब वजनी मूर्ति एशिया महाद्वीप में सेकंड मूर्ति है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका नाक खंडित करने की मीन्स वजह क्या थी? सब मूर्ति खंडित है ना, चलो सब खंडित, सारी मूर्ति खंडित है। और ये किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। मुगल काल में हुई थी, नष्ट कर रहे थे मंदिर सब, धर्म परिवर्तन करने के चक्कर में थे। महाराजा शिवाजी और महाराणा प्रताप जी होते आज सब आप मामले में होते पूरे इंडिया मामले। ये क्या बोल रहे हैं? एक चीज आपको मैं बोलूंगा कि धर्म के लिए मर जाना एक लोगों मतलब आपने जो पुरुष थे उनसे सीखो कि धर्म के लिए अगर जान चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने संस्कृति और सनातन संस्कृति रहनी चाहिए। मैं अंदर जाके दिखा दिखाने के लिए अंदर आया हूँ। ये देखो, ये महादेव जी का जो ये नाक है ये दूसरा लगाया हुआ है, खंडित किया गया था नाक को और मूर्ति को। मुझे देखा हूँ मैं, काफी जगह से खंडित की हुई है और अपने हिंदू इस देवी देवता को अपमान करना भी बहुत जगह खंडित किया, मीन्स मूर्ति को वो सारा उनसे सीखे कोई। अभी चलते हैं, और भी बहुत सारी मूर्तियां खंडित हुई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको और मूर्तियां दिखाएंगे जो भी सारी खंडित मूर्तियां हैं और किस कारण खंडित हुई वो सब हम आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं ये देख सकता हूँ और अंकल जी ने मुझे बताया है कि ये सारी मूर्तियाँ हैं जो खंडित है। आप अंकल जी थोड़ा इधर आ जाओ, ये देखो, आप देखो ये मूर्ति है, इनका यहाँ से सर अलग किया हुआ है, ये आप देख सकते हो आराम से। तो ये सारी मूर्तियाँ जो प्राचीन काल में मंदिर के था और ये सारी मूर्तियाँ कहीं से कहीं ना खंडित की गई है, विशाल मंदिर सारे खंडित किए। मीन्स आप अभी समझ सकते हो कि हमारे हिंदू देवी देवता को कितना कष्ट पहुँचाया है और उनको कितनी मूर्ति। ये तो छोटा सा, ये वो देखो, ये सारी मूर्तियाँ हैं, ये तो सिर्फ छोटा सा एग्जांपल है। अगर हम इंडिया में या फिर देखें तो सारी जितनी हो सके मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी मूर्ति होती है वो सारी खंडित होती है। लोकल जी आप आइए, मुझे बताइए थोड़ा कि ये मीन सारी ये नीचे मुगल काल में खंडित है, सारी मुगल काल में खंडित की है, मीन्स हिंदू देवी देवता का अपमान करना। शेर भी वहाँ खंडित की थी, यहाँ लाया फिर दूर से लगाया। अच्छा, देख रहा था, हाँ ये भी खंडित है। और ये मूर्ति मुझे माता गर्दन काटी हुई, सब देखो ना, हुई है सब गर्दन काटी हुई दिखाई गई, सबकी हाथ काटा हुआ कहीं जो काटा हुआ, सब देव देव तो खंडित रह गई है। अब ये खंडित मूर्ति हम एक जगह स्थापित कर दी है पुराना टाइम, आज भी पहले से की थी। तो ये सारी भी मूर्ति खंडित है, सब खंडित है कुछ। तो मीन्स ये मूर्ति कौन से नहीं बता से खंडित थी, जैसे अब देखो आप ये गर्दन काटी हुई है, हाँ गर्दन नीचे से ये खंडित है कुछ, ऐसे कैसे बता मैं कोई तो हो सकता कहीं नहीं किया हो तो बाकी ये माता की मूर्ति खंडित देख ली है। हाँ ये 20 पूजा है, एक पत्थर की। अच्छा मीन्स इनके कितने हाथ हैं? 20 है ना, कह रहा ना। अच्छा 20 हाथ हैं इनके, शेर की सवारी है, शेर की सवारी, हाँ नीचे शेर है। और मुझे वो मूर्ति बताओ वो भी खंडित की गई है, सब खंडित है कुछ। ये मुझे खंडित की है, किसी का पैर में सब चीज खंडित की गई।
ये ऊपर से पूरा खंडित कर दिया, ये इनका सर खंडित कर दिया। आप देखो पास में आके दिखाओ, ये देखो ये नीचे रथ है और ये ऊपर भगवान जी बैठे हैं, इनके ऊपर यहाँ से धड़ से कटा हुआ है सर से, मीन सर के 75 ईयर के आपके पूर्वज भी, उनसे भी आपने सुना होगा, कटा आधार पे कह रहा हूँ मैं। हाँ यहाँ पर और ये डिजाइन भी बहुत ही अच्छी तरीके से, ये उस टाइम के जिस टाइम राजा महाराजा के टाइम, कुछ कितना आवाज कर रहा है। चलिए अभी माता जी के मंदिर के अंदर चलते हैं। लेकिन हो सकता माता का प्रचार हो या कुछ ऐसा हो अंदर, अच्छा अंदर आने नहीं दिया, नहीं दिया बच्चा के लिए पकड़े जगह नहीं हो, कुछ कारण रहा होगा या इस देवी का इष्ट बच गई है। ये व्यवहार 1700 साल पुराना भी है, 1700 साल नहीं पहले आते नहीं। और आप इधर देख सकते हो, इधर गणेश जी की मूर्ति है और उधर बाली जी की मूर्ति है और ये सारा ये इस पहाड़ के अंदर है, हम पहाड़ के अंदर बैठे हैं, मीन्स थोड़ा ऐसा गर्मी जैसा फील हो रहा है और लाइटिंग की बराबर व्यवस्था की गई है। चलिए अभी पहाड़ की ओर चलते हैं। राम राम साहब, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना, वरना मत करना। मैं कभी भी नहीं कहूँगा लाइक करो शेयर करो, आपको अच्छे लगे तो करना नहीं तो मत करना, क्योंकि मेरे वीडियो आप सिर्फ देख लो, देखने से मीन्स मैं आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ जो सबसे अलग सबसे यूनिक वीडियो मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इससे इसके आगे मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा भोज पगड़ौत पे, मंदिर में इतने सारे पिलर्स है जो कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते, हमने भी काउंट किया, हमसे भी काउंट नहीं हुआ। और स्टूडेंट के एक स्कूल था, स्कूल का ग्रुप आया था, ग्रुप में मीन्स सारे स्टूडेंट आए थे, उनसे भी काउंट, एक एक स्टूडेंट को एक एक पिलर के पास खड़ा किया तो भी उनसे काउंट नहीं हुआ। तो चले गए, चलते हैं, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।